हेलो एवरीबॉडी एवं नमस्कार। आज अनुचिंता अध्याय को आपण स्वागत। आज आम स्मरण शक्ति वृद्धि मस्तिष्क किभली अधिका आपण चिंताधारा बढ़ेगा हृदय बा हार्ट विक एसबु किभली दूर करिवे ता सहित चर्म रोग अंग उत्तेजना अल्पायुष एसबु वृद्धि पाई किभली आपण ब्राह्मीर व्यवहार करिवे ता सह कान को नसुबा पिलामानक दृष्टिदोष अस्वाभाविक हार्ट बीट सुगार नाल झाड़ा बा पताल झाड़ा नाल रक्त झाड़े किभली आपण आभेलेबल रहता बेलर व्यवहार करी घर उपचार करिवे से उपरे आलोचना करिवा। आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु भल लगे लाइक एवं सांग सहित सेयार करंतु आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं तले दिया नोटिफिकेशन बेल को हिट करंतु फॉर लेटेस्ट अपलोड। बेल व्यवहार द्वारा घर उपचार मधुमेह बा सुगार रोग रे आपण दैनिक 20 बेलपत्र को बाटी किंबा चोबाई सकाळे खाली पेटरे खाइबे एवं मूत्र बा रक्त शर्करारे निश्चिंत लाभ हेब। नाल झड़ा बा पताल झड़ा रे आपण किभली भाबे बेल को व्यवहार करिवे कंचा बेल भितर सस बाहर करी खरारे सुखाई गुंड करी रखिवे एहा को 5 ग्राम लेखाए सकाळे संध्याबेळे जल सहित खाइले नाल झड़ा और पताल झड़ा बंद हो जाए। यह एमिबिक डिसेंट्री मध्य अति गुणदायक अटे। नाल रक्त झाड़ा होते शुखिला बेल पान मधुरी और मिश्री सामान भाग नहीं चूर्ण कर रखिए से 1 चमच लेखाए दिन में 3 थर जल सहित 15 दिन खाइले नाल रक्त झाड़ा और पाचन तंत्र दुर्बलता दूर हो जाए। आपण घर मशा घोड़ाप भी बेलर व्यवहार करें बेलर ऊपर सुखिला चोपा को निरे रखी धूप देले मशा घर पल जाती। अस्वाभाविक हार्ट बीट होते बेल मूलर छाली को पानी रे सिजाई से पानी पीले छाती धकधक होगा धड़धड़ होबार लाभ होता है। पिलामानंक दृष्टिदोष दूर करने आपण बेल गछर कंटा संग्रह करी माला करी पिंधाइले दृष्टिदोष शांत हो जाए। से भाई भाव यदि कान को ठीक भाव नसुभा जाए सुखिला बेल को छेची गोमूत्र भिजाई बाटे से जिते ओजन हेब तार समान भाग छेली क्षीर एवं 1/4 राशि तेल एकत्र करी अग्नि रे रखी पाक करिवे। तेल मात्र शेष रहिले छाणी बॉटल रे रखिबे। एही तले द्वारा कर्ण पूरण करी 10 मिनिट रखिबे तापरे अन्य कानरे पकाइबे। एपरी किछि दिन प्रयोग कले बधिरता प्रशमित होइथाय। चलंतु ब्राह्मी बा जलनिम द्वारा किभली घर उपचार करिया से विषय जानिबा। आमर त्रिदश रोग स्मरण शक्ति नाश मस्तिष्क धारण शक्ति नाश मंदाग्नि हृदय दुर्बल शोथ श्वसन संस्थान विकृति रक्तवाहिनी संकोचन चर्म रोग अंग उत्तेजना अल्पायुष एथिरे आमर ब्राह्मीर आपण प्रयोग करिपरिबे। कुष्ठ और अन्यान चर्म रोग रे ब्राह्मीर पंचांग बाटी लेप करा जाए। व्रण रे यहार चूर्ण 10 ग्राम और स्वरस तेल 10 मिलीलिटर सेवन करा जाए दिनकु 2 थर। आम बातरे ब्राह्मीर स्वरस 10-20 मिलीलिटर दिनकु 2 थर प्रयोग करा जाए। शिशुमानकर थंडा काश आदिरे ब्राह्मी स्मरस 1 चमच प्रयोग द्वारा रोग निवारित होता है। से भाई मानसिक दुर्बलता रे यहार पत्र चूर्ण 5 ग्राम करी दिनकु 2 थर दि जाए था। उन्माद अपस्मार बा हिस्ट्रिया आदि ब्राह्मीर घृत 2 चमच दिनकु 2 थर व्यवहार करा जाए।
ଶିରଗତ ବାତରେ ବ୍ରାହ୍ମୀପତ୍ର ରସ 10 ମିଲିଲିଟର ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସ, ତ୍ରିଫଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ପୋଟଳ ପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ଧନିଆ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସମମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣ୍ଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ 2 ଥର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଉଦର ରୋଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀର ଲେପ ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ ଲେପ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରରେ ରୁକୁଣା ଗଛ ରସ, ଅମର ପୋଇ ରସ, ବେଲଚୂର୍ଣ୍ଣ ସମଭାଗ ସହ 7ଟି ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇ 2-3 ଥର ସେବନ କଲେ ନାଳ ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମୀର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 10 ଗ୍ରାମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାଟି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ମିଶାଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦନାରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣ ଦିନଟି ଶୁଭ ଏବଂ ସୁଖମୟ ହେଉ। ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।